फिर काम वाली रखनी है, लेकिन वो तो है, हमारे पास कोई मसला नहीं है। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग बहुत टाइम के बाद रिएक्ट करने वाले हैं डकी भाई के एक वीडियो पर। आज का वीडियो टाइटल है माय न्यू हाउस। तो डकी भाई ने शायद से न्यू हाउस लिया एंड शादी के पहले, अच्छी बात है। तो देखते हैं इस वीडियो को, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लेट्स चेक इट आउट। साथ जो है फ्रिज भी आ रहा है बिल्ट इन, खोल के देख लेते हैं, खाली है भाई। साथ जो है उन्होंने हमें फल फूल दिए हैं, ठीक है, बड़े मजेदार है। आपको मजीद पैसे ठोक देने। एक तो कल ही मैंने बिरयानी मंगवा के गलती की थी, 2000 रुपए की बिरयानी लेके आया यार, वो थोड़े मजा भी नहीं आया। 2000 रोज अपलोड कीजिएगा। कराची का है क्या, लाहौर का? कराची लाहौर लैंड हुआ, अभी लाहौर में आएगा। रणवीर अभी शावर वगैरह लिया, ठीक है, वापस पहुंच गए थे हम लोग कराची से। तुम लोग देख सकते हो भी, आपका भाई शेव भी करके आया, समझ रहे हो? तुम लोगों को जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि हम लोग नाते भाई से जो है पॉडकास्ट करके आए थे, पॉडकास्ट जो है वो आ चुका है। तुम लोग जो है लिंक दे दूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो तुम लोग जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। अभी जो है ना बड़ी देर हो गई, तुम लोग देख सकते हो जंगली किस्म की जो है ना दाढ़ी मेरे बूते पे जो है ना सज के बैठी हुई है। इसको कटवाने चलते हैं, थोड़ा साफ सूफ होते हैं, उसके बाद बताता हूं क्या प्लान है भाई। फ्यू मोमेंट्स लेटर। व्लॉग नहीं आया? ओ, अपना व्लॉग कह रहा हूँ, लज़ानिया नहीं आया? पिछले आलू नहीं, इतना ज्यादा इतने ज्यादा मेरे बाल हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो कटवा ही लेते हैं थोड़े से। टीनेजर लग रहा है। पहले क्या लगता है? मुझे लग रहा है टीनेजर, 25 साल का तो लग ही रहा है। क्या अपनी तरफ खींची जा रही हो तुम? ओए होए 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 होए, तुम्हारा नहीं मेरा है, छोड़ो से। अच्छा, एक दो बाइट लेने से क्या हो जाएगा? बिल्ला आ रहा है तुम्हारा। ओए होए, ये है क्या? ये लज़ानिया। मजा आ रहा है? कैसा है? दोबारा खाऊंगा तो बताएगा। तो मैं तुम लोगों को एक अपडेट दे दूं कि आपके भाई ने जो है नया घर लिया है, नया अपार्टमेंट लिया है आपके भाई ने। बड़ी देर से काम चल रहा है, इसलिए तो बड़ा लंबा मैंने ब्रेक लिया। चल झूठा, तुमने कब लिया अपार्टमेंट? आज ही काम शाम डन हुआ है, लेकिन अभी उसमें सामान सामून रखने वाला है, मैं तुम लोग को दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी उसमें ना ग्रोसरी वगैरह करने वाली है, अंडे डबल रोटी रखने हैं, ब्राउन ब्रेड रखने हैं, ठीक है, फिर काम वाली रखनी है, लेकिन वो तो है, हमारे पास कोई मसला नहीं है। तो कल जो है ना तुमने मेरी हेल्प करानी है पूरी ग्रोसरी में। मुझे बताई थी कि तुमने आने में हाथ मुंह धो लेता यार, बंदा इतना अच्छा नहीं लगता। जब बेइज्जती है अभी जो है ना घर आए हैं, तुम लोगों को जो है ना थोड़ा बहुत अपार्टमेंट का मैं टूर देता हूँ, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं है, इसे टूर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे। आए 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 आए, एंट्रेंस इसको बंद करो। अच्छा जी, तो भाई बताइए चला के दिखाऊं। तो भाई ये है आपके भाई का ब्रांड न्यू अपार्टमेंट, ठीक है। तो शादी के बाद मैंने किस तरह से रहना है, तो उसकी जो है ना मैंने एक स्पेस अपनी तैयार करके रख ली है। तो बाकी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा किचन है, ठीक है, फर्निश्ड है पूरा का पूरा, सब कुछ ही है इसके अंदर। प्लेटें शलेटे मैं देख लेता हूँ, ना ले लेंगे हम लोग ये। हाँ ठीक है, प्लेटें शलेटे नहीं है, हाँ बस ठीक है। कल जो है ना इसका सामान सामून लेके आएंगे, अभी तो रात हो गई है। तो बाकी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है उन्होंने माइक्रोवेव ओवन दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हा दिया हुआ है, गैस गूस वाला चूल्हा नहीं है, तो थोड़ा जो है ना मम्मी डैडियों की तरह खाना बनाना पड़ेगा हमें। साथ में पानी छानी आता है यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी दी हुई है उन्होंने, साथ उन्होंने केटल दिया हुआ है चाय शाय बनाने के लिए। बाकी नीचे देखें क्या क्या है। अच्छा जी, चलो भाई, साथ जो है फ्रिज भी आ रहा है बिल्ट इन, खोल के देख लेते हैं, खाली है भाई। साथ जो है उन्होंने हमें फल फूल दिए हैं, ठीक है, बड़े मजेदार है, ये स्टार्टिंग में दिखाया था, प्लास्टिक के यार। बाकी तुम लोग देख सकते हो बड़ा लेवल का जो है उन्होंने रखा हुआ है, साथ टीवी है यहाँ पे, डेकोरेशन वगैरह है, सोफे सोफे हैं, यहाँ पे बैठ के जो है मूवी शूवी देख सकते हैं, डक्की भाई के व्लॉग्स वगैरह देख सकते हैं। ये आ गया जी बेडरूम, ठीक हो गया, लेवल का बेडरूम है भाई, बड़ा साफ सुथरा, यहाँ पे भी एक टीवी है, कुछ डेकोरेशन वगैरह है, एक चीज बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन वेल फर्निश्ड, ताकि आपका भाई बैठ के एडिटिंग तो कर सके ना यार। अभी यहाँ पे बंदा टेबल कहाँ पे रखे, मैं सोच रहा हूँ इसको साइड पे करके ना यहाँ पे एक टेबल अगर मैं कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे स्विच भी है, तो लैपटॉप के अंदर बैठ जो है ना एडिटिंग शेडिंग हम लोग करते रहेंगे, उसका बस एक रोला है, वो मैं देख लूंगा क्या करना है। तो बाकी भाई ये था वॉशरूम भी दिखाया था, तो ये वॉशरूम में ठीक है, एक ही वॉशरूम में सिंक है, साथ ही ऑटोमेटिक
साफ करने में बहुत इजी जल्दी होगा। तो बाकी तुम लोग को मैं दोबारा से आखिरी बार दिखा देता हूँ इसका जो है ना। बाकी हम लोग सामान सुन हम लोग कल लेकर आएंगे, ग्रोसरी वगैरह करेंगे, अपना खाने पीने अकेला रहने के लिए ठीक रख देंगे, डबल रोटी या फिर अभी इनका जो छोटा फैमिली है सिर्फ वाइफ होगी, एक बच्चा, खाना शाना आपका भाई बनाएगा, फिर अम्मी अब्बू को भी बुला के ना जो है ना उनको दिखाएंगे कैसा है। अच्छा अभी जो है ना रूम नीचे वेट कर रही है। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं शावी जाफरी के घर, उसने कहा था कि पॉडकास्ट बनाए तो हम लोग जो है ना उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन ऐसे ही कपड़े शपड़े चेंज करके चलेंगे तो अभी पहले घर जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, फिर दफाएंगे उसकी तरफ। अच्छा अभी जो है ना हमें जाने शावी जाफरी की तरफ, वो सुंदर जो है ना वो पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम भी आओ और मैंने भी आना है, तो तुम तो रेडी हुई हो ठीक है, मैं तो क्या नहीं हुई। अच्छा बोला मुंह धुला हुआ तुम्हारा, तो मुझे जो है ना अभी घर जाना है, हाथ मुंह धोना है फिर निकलते हैं। बेइज्जती करता है। ओए साइड पे हो जा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। ओ बिल्ली ओ पार करनी है मैंने गाड़ी यार। बास्टर्ड बीच यू फक यू फक यू। चलो अब साइड पे हुई है शर्ट वर्ड जो है ना मैं बाद में चेंज कर लूंगा, बाकी ठीक है ट्राउजर मैंने पहन लिया। हाँ जी सुन, अपना आपके भाई ने जो है ना अपना घर शर्ट लिया, तो कल आ जाना सफाई सफुई करने ठीक है, बाथरूम भी साफ करना ठीक है, अगर गटर बंद हुआ वो भी साफ कर लेना, अपना प्लेटे शलेटे दो देना, दोनों लगेंगे। चला आपको मैं इन्वाइट करूंगा खाने पे, लेकिन मैं आपको दूंगा खाने के लिए। बेचारा यार, दो मिनट लगाओ रेडी शेडी होके आओ फिर जाना है हमने। दो मिनट लगाओ यार, दो मिनट हाथ में होके आओ, बहुत है यार। दो घंटे लगाऊंगी यार, मैं सिर्फ जूते पहने सेम शर्ट है, जल्दी जाओ दो मिनट लगाओ। हाँ ओके। Hours later. हाँ जी तो रेडी है सेटअप वगैरह? रेडी है सेटअप, एवरीथिंग रेडी है। अभी जो है पॉडकास्ट हम लोग देख सकते हो, सेटअप वेटअप तारे सारे जो है ना बिखर चुकी हैं अभी। ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन देख लिया। लोगों को लगता है कि बहुत हाई लेवल बजट के साथ काम हो रहा है, असल में ये होता है बिहाइंड द सीन। वो अपनी तरफ से कहते हैं मेरी बड़ी टीम है, वो यही उसको कोई संभाले ना, वायर मैनेजमेंट गाय साहब, वायर मैनेजमेंट करे ना थोड़ी। पॉडकास्ट के बाद मिलता हूँ ठीक है। लेट है पॉडकास्ट शॉर्टकास्ट हो गया फारिग अपना। तुम लोग काफी ज्यादा सोच रहे हो कि यार डेली क्यों नहीं बना रहा, डेली क्यों नहीं बना रहा, डेली डेली यार डेली वाला। अब मैंने देखो यार जहाँ तीन हफ्ते की ब्रेक ली है, तो मुझे हाथ लंबा करके कैमरा पकड़ने में भी तो थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा यार आपका, भाई डेली भी हो जाएगा यार। भी जो है स्नूकर वूकर की गेमें शेमें चल रही है, एंड कर रहा हूँ, डेली भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी यार, कोशिश पूरी है यार, कभी कभी मिस हो जाता है, कभी आ जाता है। हाँ टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन नहीं लेनी, नोटिफिकेशन दबा के रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आगे जिंदगी आसान है भाई, तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके। वैसे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं डेली वीडियोस बनाने की, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। वो तो अभी चार दिन से तो हम लोग रिलीज कर रहे हैं डेली रिएक्शंस, ये पांचवा दिन है, तो नॉट बैड। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, डक्की भाई तो और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं व्लॉग्स बनाना डेली, और भी ज्यादा बंद कर दिया था क्या डेली? हाँ बीच में स्टॉप कर दिया था ब्रेक के लिए। मैं कह रहा यार ये डेली डेली कर रहा है बार बार, क्या फॉलो नहीं करता डक्की भाई को? नहीं यार यूट्यूब आजकल मैं ये बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो शायद कोई भी यूट्यूबर को फॉलो नहीं कर पा रहेगा थोड़े टाइम से, बट लेकिन जबरदस्त था। घर कैसा लगा? क्योंकि जो अपार्टमेंट है वो छोटा है लेकिन जबरदस्त है, वन बेडरूम बेसिक जो लिविंग रूम भी है वो तो है, अच्छा है, लाइक बहुत छोटा, दो लोगों के लिए तो ठीक है, मतलब इवन एक छोटा बच्चा रहेगा तब तक ठीक है, तब तक ठीक है, फिर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी ऑलरेडी घर है उनके पास पहला है, फैमिली तो अलग से है, फैमिली का घर तो है, ये अलग से रहने के लिए तो बहुत ही मॉडर्न टाइप है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, और जैसे डक्की भी बोल रहा था कि सेटअप रखने के लिए जगह नहीं है, वो तो है। हाँ वो सब थोड़ा एडजस्ट, एक यूट्यूबर के हिसाब से मैं कहूँ तो ये सब चीज़ों में अगर आपको कुछ लैपटॉप रखना है या पीसी रखना है, जो भी है, जो यूट्यूब के रिलेटेड जो सामान है आपके पास, तो उसके लिए मैं ये घर थोड़ा डिसअपॉइंट रहूंगा, मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इवन जो कैमरा रखने के लिए जो ट्राइपॉड होता है, लाइट्स होता है, थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन व्लॉगिंग के लिए वो हमेशा घर पर भी नहीं होगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं होगा। तो
लेकिन फिर और सबसे बेस्ट पार्ट जो डक्की ने खुद बोला कि बहुत ही साथ का ये मुझे करेक्ट लगा, साफ करने में बहुत आसानी होगी वो एक चीज, क्योंकि नहीं तो कितना प्रॉब्लम होता है साफ करने में, ये फ्लोर साफ करो ये साफ करो। उससे अच्छा अपार्टमेंट का बेस्ट पार्ट यही है, वो भी कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट का, दिखने में भी अच्छा है, जितना चाहिए उतना ही है, एक बेडरूम चाहिए, दो ही लोग हैं अभी, वो बात भी, एक ही बेडरूम इनफ हो जाता है, इसमें भी कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, सामान भी लिमिटेड है, परफेक्ट मेरे हिसाब से तो इनके लिए परफेक्ट है, वो तो है, दो लोग हैं तो परफेक्ट ही है। तो मज़ा आया ये वीडियो देख के, डक्की जैसे आकाश बोल रहा था, डक्की भाई को इतने दिन के बाद देख के भी मज़ा आया। एंड अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।